हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई स्मार्टर एवरीडे चैनल। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखते हैं तो आपको दोस्तों इस भर्ती के बारे में सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। और यहाँ पर दोस्तों ये जो वैकेंसी निकाली गई है दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा निकाला गया है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट नहीं कराया जा रहा है। सिर्फ अगर आपके पास 10वीं है, चाहे आपने 12वीं किया हो, आप सभी यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं। भारत का कोई भी व्यक्ति इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकता है। और इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। दोस्तों, इस चैनल पर 100% ऑथेंटिक एंड जेन्युइनली गवर्नमेंट भर्ती के बारे में ही बताया जाता है, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं जो ये वैकेंसी निकाली गई है, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, साउथ ईस्टर्न रेलवे में निकाला गया है। और यहां पर दोस्तों, आपको मैं यहां पर जो नोटिफिकेशन है यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर डेट वगैरह भी देख सकते हैं। और यहां पर दोस्तों, जो वैकेंसी निकाली गई है साउथ ईस्टर्न रेलवे में, स्पोर्ट्स कोटा के तहत यहां पर वैकेंसी निकाला गया है। तो आपको फ्रेंड्स यहां पर वीडियो पूरा देखिएगा, यानी कि कौन सा सर्टिफिकेट यहां पर आपका लगने वाला है। तो यहां पर दोस्तों, वीडियो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ताकि आप दूसरों को ये वीडियो यहां पर शेयर कर सके और दूसरों को भी यहां पर बता सके। तो सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हैं इसकी जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपनिंग डेट, यानी कि 3/1/2022 का इसका जो है ऑफलाइन ही फॉर्म भरना है। और इसका जो ऑफलाइन का फॉर्म भरने का जो डेट है ये चालू कर दिया गया है। और यहाँ पर क्लोजिंग डेट आप देख सकते हैं 2 फरवरी 2022 तक आपको दोस्तों फॉर्म जो है यहाँ पर आपको भर लेना है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको सारी जानकारी दूंगा किस किस स्पोर्ट्स में यहाँ पर जो वैकेंसी है यहाँ पर निकाला गया है, और यहाँ पर दोस्तों कैसे आपको आवेदन करना है। पूरा डिटेल जानने के लिए वीडियो अंत तक आप जरूर देखिएगा, ठीक है। अगर दोस्तों ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे आगे की वीडियो बनाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी और मोटिवेट करता है। तो सबसे पहले दोस्तों, हम यहां पर बात करें, यहां पर आप देख सकते हैं मैंने एक से लेकर यहां पर जो है 15 अलग अलग यहाँ पर जो है कैटेगरीज वाइज जो स्पोर्ट्स हैं उनमें वैकेंसी को रिलीज किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं एथलीट्स मैन के लिए, एथलीट्स वुमेन के लिए भी वैकेंसी है, बॉल बैडमिंटन, इसके बाद बास्केटबॉल, बास्केटबॉल वुमेन के लिए, बॉक्सिंग, क्रिकेट, हैंडबॉल, यहाँ पर कबड्डी, खो खो, यहाँ पर वॉलीबॉल, यहाँ पर आप देख सकते हैं वेट लिफ्टिंग के लिए भी वैकेंसी है, और हैंडबॉल और हॉकी के लिए भी। चाहे आपने किसी, जो भी मैंने यहाँ पर एक से लेकर यहाँ पर 15 जो भी खेल लिखे हैं, अगर उस खेल में अगर आपका सर्टिफिकेट है, कौन सा सर्टिफिकेट लगेगा ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो अगर आपका सर्टिफिकेट है तो आप जरूर इसमें यहां पर आपको फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसमें किसी भी प्रकार का एग्जाम नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों यहां पर बात करें, अगर यहां पर 3 कैटेगरी में सर्टिफिकेट को बांटा गया है, अगर आपके पास कैटेगरी ए सर्टिफिकेट है, या कैटेगरी बी है, या कैटेगरी सी है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी ई सर्टिफिकेट कौन सा यहां पर मांगा गया है, जैसे कि अगर आपने ओलंपिक्स गेम्स में सीनियर कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया है, अगर उसका सर्टिफिकेट है तो आवेदन कर सकते हैं। अगर हम कैटेगरी बी की बात करें, तो आपके पास वर्ल्ड कप, चाहे जूनियर सीनियर कैटेगरी का हो उसका सर्टिफिकेट हो, या वर्ल्ड चैंपियनशिप जूनियर सीनियर कैटेगरी का हो, या आपने एशियन गेम खेला हो जूनियर कैटेगरी वाला, या आपने कॉमनवेल्थ गेम खेला हो सीनियर कैटेगरी वाला, तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम सी कैटेगरी की बात करें, तो यहां पर अगर आपने कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप जूनियर सीनियर कैटेगरी वाला खेला है, या आपने एशियन चैंपियनशिप एशियन कप जूनियर सीनियर कैटेगरी वाला खेला है, या साउथ एशियन फेडरेशन वाला अगर आपने गेम्स खेला है, अगर उसका सर्टिफिकेट है, तो आप इसमें के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। अगला हम बात करें, यहां पर फीस आपको कितनी देनी है। फीस दोस्तों आपको डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से ही देना है। और यहां पर दोस्तों, अगर आप जनरल ओबीसी में आते हैं, तो आपको फ्रेंड्स यहां पर 400 रुपये एप्लीकेशन फीस देना है, और वहीं SC ST को यहां पर 250 रुपये देना है। और यहाँ पर दोस्तों, फॉर्म तो आपको ऑफलाइन ही भरना है। ऑफलाइन का एड्रेस, यहाँ पर जो एड्रेस मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं, एड्रेस आपको नोटिफिकेशन में मिलेगा। नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्रेंड्स यहाँ पर टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक मिलेगा, उसको दोस्तों आपको ज्वाइन कर लेना है। उस पर आपको PDF और अप्लीकेशन फॉर्म सब कुछ वहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की ID भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। एज की बात करें, तो यहाँ पर जो एज है 18 से 25 साल तक सभी
सभी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। ये जनरल का यहाँ पर जो एज है यहाँ पर मैंने लिखा है, और 1/1/2022 तक आपकी उम्र जो है 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जनरल की बात करें। वहीं फ्रेंड्स बात करें SC ST का, तो यहाँ पर दोस्तों गवर्नमेंट रूल के हिसाब से 5 साल का एज में रजिस्ट्रेशन मिलेगा SC को, और OBC को यहाँ पर जो है 3 साल का एज में रजिस्ट्रेशन यहाँ पर दिया जाता है। ये सभी चीज़ें आपको पता ही होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लीकेशन फॉर्म, आपको जैसे ही आप दोस्तों यहाँ पर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो आपको दोस्तों अप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। यहाँ पर क्लियर, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको साफ सुथरा यहाँ पर सारे चीज़ें यहाँ पर आपको भरना है, ठीक है, कैपिटल लेटर में भरना है सब कुछ, आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। और इसके साथ साथ सारे डॉक्यूमेंट भी अटैच करना है, जो भी एड्रेस मैंने आपको बताया यहाँ पर एड्रेस आप देख सकते हैं, इसी एड्रेस पर आपको सारे डॉक्यूमेंट अप्लीकेशन फॉर्म जो है कब तक आपको सेंड कर देना है फ्रेंड्स, कब तक आपको सेंड करना है, मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 फरवरी 2022 तक आपको सारे एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट वगैरह आपको सेंड कर देना है, अगर ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल करते हैं तो, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर यहाँ पर शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि सभी जो है यहाँ पर फॉर्म के बारे में पता चल सके और भर सके। और दोस्तों दूसरों को भी सजेस्ट कीजिए, ई-स्मार्टर एवरीडे चैनल पर 100% ऑथेंटिक एंड जेन्युइनली गवर्नमेंट भर्ती के बारे में ही बताया जाता है। इसी के साथ फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for watching. Jai Hind.